अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। और भाई आज की दास्तान और आज की कहानी शुरू होती है यहाँ से कि बच्चा पार्टी भी आ गई है ऊपर। ऊपर हम लोग बेसिकली इसलिए आए कि स्टोर से निकालने हैं हमें पतीले, और आज घर में बन रहा है शरबत, क्योंकि 9 मुहर्रम का दिन है तो शरबत बनता है हमारे यहाँ। कैसे बनता है, क्या प्रोसेस होता है, हम क्या क्या यूज़ करते हैं, क्या मामलात होते हैं, सब दिखाएंगे, सब बताएंगे। तो भाई उसके लिए आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड की वॉचिंग माई व्लॉग्स। हैं इनू आप क्या करना आई हो, क्या करने आई हो पर? कालू मटाटा, कालू मटाटा। खैर हम स्टोर से पतीला निकाल के, ये वाला पतीला चाहिए हमें। तो भाई पतीला तीला निकाल लिया, चलता है। तो महल से हलीम भी आया हुआ है ना, तो आज का नाश्ता जो है वो हलीम होगा, साथ में पराठा होगा। हलीम बाजार दिखने में अच्छा तो लग रहा है, थोड़ा अम्मी और साइड कर रही है, भगार वगैरह लगा रही है इसके अंदर। और आज आ जाओ। अच्छा, और दूसरा हलीम की ना रात में इन्विटेशन भी आया, तो आज रात में एक और जगह हलीम खाने जाना है। कहाँ जाएंगे वो भी बताएंगे आप। और हलीम बन चुका है, वहाँ पर रात में बात हुई थी, बन रहा था, तो उम्मीद है भाई बन ही गया होगा और अच्छा ही बना होगा। तो बस जाएंगे, वो भी खाएंगे हलीम और बताएंगे। पर ये वाले दिन तो ऐसे ही होते हैं हलीम शरबत वाले। तो बस आज का व्लॉग शरबत और हलीम के नाम। और नाश्ते के अंदर जो है वो पराठा है और हलीम है। और हलीम अब्बू ने खा के बताया भाई कि बहुत ही अच्छा हलीम है। भाई शरबत की तैयारियाँ शुरू हो गई, नाश्ता कम्प्लीट हो गया हमारा, बस एक बंदा ही नाश्ता कर रहा है। पीछे तो मलंगा होता है बेसिकली, देखिए ना चाय की पत्ती जैसा होता है। ये थैली आ गई दूध की, बताओ आसान जवाब दो। बड़ा टाइट सुबह था, मतलब सुबह सीन ही ऐसा था। वो पहले हमने तो डाया भाई पतीला लिया, हमने कहा थोड़ी देर में बना लेंगे, नींद बहुत शरीफ थी। ये बात फिर सुन रहा सुनने में आ रही थी, तो मैं आते उसमें था, मतलब आवाज सुन रहा था लेकिन सो रहा था। फिर हम सो गए, फिर दोबारा हाल आ जाओ, चुपकर ही आ गए कमरे। मतलब हम कोई क्या ऑपरेशन करने वाले हैं, चलो बड़ी मुश्किल से मरी, वो थी थी मगर ऐसी यहाँ वैसे तो निकल ली थी वो। हम लोग ढूंढ कहीं और रहा, निकल कहीं और रहा, कहीं और रहा, निकल कहीं और रही, वो बैरल उसको मार दिया। उसके बाद बेगम का वहाँ टाइट वाला सांग में ऊपर फ्लोर बनाएंगे तो क्या होगा, चुपकली मारने के मुझे बुलाएंगे ऊपर। वो असल में क्या कहेंगे आप इस बारे में? बुला लेंगे। और हम कहीं हुए तुर्की उर्की में, जापान इस्तांबुल में, तो कौन आप? हम फिर जो है वो करूंगा मैं कुछ, लेकिन कमरा उल्टा फुल्टा हो जाएगा। ठीक है, अभी शरबत बनाना है भाई, आ जाओ जल्दी फटाफट। भैया ये व्हाइट व्हाइट क्या डाल रहे हैं आप? व्हाइट व्हाइट ये हम डाल रहे हैं मिल्क। मिल्क भैंस का दूध है या बकरी का दूध है? ये है, हमें तो खुद नहीं पता, दूध वाले ने आगे दिया हमें। ये गाय का दूध है भैया, आपको पता नहीं है तो आप ये कैसे बनाएंगे? वो नहीं चलेगा ऐसे दूध डालते हुए, सरे ला मका से तलब हुई ऐसे करके, जैसा वो गाय वाली वीडियो में चल रहा था। नादरीन पहली थैली डाल दी है, उम्मीद करते हैं कि ये दूध जो है वो कुछ होगा नहीं, इसको चाय पीना नहीं तो भाभी नाराज हो जाएंगी भाई। भाई दूध सारा इसमें डल चुका है, ये आखिरी थैली रह गई है, बस ये डालते हैं हम। तो भैया तकरीबन 4:30 बज रहे हैं, और कहानी ये कि दूध बॉयल हो चुका था बट वो ठंडा नहीं हो रहा, तो हमने उसको यहाँ रखा है पंखे के नीचे कि ये ठंडा हो जाए, बट मुश्किल है। अब सब ये कह रहे हैं भाई कुछ सामान डालते हैं, बर्फ वगैरह डालेंगे तो ये खुद ही ठंडा हो जाएगा। तो अब इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और इसको बनाते हैं। पहले डाला था हमने जामी शीरी, तकरीबन ये आधी बोतल से ज़्यादा डल चुका है, और इसके बाद अब डालेंगे शीरा। शीरा भी बोला कि आधा डालने के लिए। तो भैया शरबत का प्रोसेस चल पड़ा है बेहतरीन एकदम, और इसमें हमने शीरा डाल दिया है। शीरा बनाने का तरीका बहुत आसान है, पानी और चीनी से बनता है वो, मेरे ख्याल हर घर में लोगों को पता होगा। बाकी तुख मलंगा भी आया हुआ है ना, छेड़ मलंगा नू तुख मलंगा, तो तुख मलंगा डालते हैं अब इसके अंदर।
मलंग का थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा हो रहा था तो मैंने उसको थोड़ा कम कम करके डाला है। भाई शरबत का जो जायका होता है ना वो आम दिनों के शरबत का नहीं होता, तो हम पूरे साल इंतजार करते हैं शरबत का। तुख मलंगा डालिए, अब इसमें हम बादाम डालते हैं। अच्छा भाई ये केवड़ा डाल रहा है इसमें, केवड़ा। भाई सीन बड़ा ही कोई वीआईपी चल रहा है यहाँ पर। बर्फ डाली हमने एकदम से जो है ना सारा ऊपर आ गया। ये अम्मी बोली है बाल्टी डाल दी तुम लोगों ने पूरी, तो ये बाल्टी नहीं है बर्फ ही है, बाल्टी में हमने बर्फ जमाई थी। वो आइसक्रीम की बाल्टी आई थी हमारे घर ना, तो उसमें बर्फ जमाई थी हमने, तो ये सब डाल दिया हमने। हसान भाई अब खेलने में लगे हैं फौरन, और इनको खेलने का तो वैसे ही बहुत शौक है सब जानते हैं। तो भैया अब जेलिया वेलिए कट चुकी पर ईना वालू भी उठ गई है। सो बोली नहीं बाहर क्या हो रहा है, शरबत बन रहा है, आ जाओ शरबत बनाते हैं। चलो भाई ले आओ, ले आओ भाई ले आओ जेली, ले आओ जेली। आज बज गए, एक घंटा हो गया हमें इसके साथ जो है वो कार्रवाई करते हुए, कार्रवाई जारी है अभी जारी है। एक बच्चा और आ गया, इनाया डाल रही है भाई जेली। ओए होए 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 होए, क्या बात है क्या बात है भाई क्या बात है। चलो खड़ो के चलाओ, खड़ो के चलाओ चलाओ चलाओ। निकालेंगे ना इसको, अब इसको निकालेंगे हम, किसमें निकालेंगे हम इसको, निकालेंगे जग में निकालेंगे हम, इसकी थैली के पार्सल बनाएंगे और बस फिर हम इसको बांट देंगे सबको, हैं? सबको बांट देंगे हम। अपो को भी, अपो क्या, तो हम जाएंगे। तो भाई बहन के ऐसे बेसिकली दावत आई है हलीम की, उनके हलीम बना था कल, तो फोन आया कि भाई खाने आ जाए आप लोग, तो हम आज जाएंगे हलीम खाने। तो बस अब शरबत तैयार हो गया, अब इसको बांटते हैं, महल्ले में बांटेंगे, फिर जो बच जाएगा तो फिर वो हम आगे पीछे थैलियों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बस इन सब चीज़ों के लिए भाई अच्छी चीज़ ये है कि आप बनाएं जिस क्वांटिटी में भी, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप बांटें। तो बस आप बांटते हैं और फिर तैयार होना है, फिर जाना भी है भाई, मगरिब का टाइम है और भूख भी लग रही, खाना भी खाना। बांटने का सीन जो है वो शुरू हो चुका है। कहाँ जा रहे हो भैया? महल्ले में हमने सब बांट दिया, बाकी हसान भाई ने थैला बनाया फुल वीआईपी। हमने सोचा कि भाई इसको सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, रख के घर में क्या करना है। और बच्चे हमारे पीछे लग गए, ये बैठे हैं बच्चे। कहाँ जा रहे हैं? हैं? अपो के घर नहीं जा रहे, हम बांटने जा रहे हैं। चले भाई, बच्चे साथ चले गए थे बहुत जिद करके, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं दिलाने के बिल्कुल हक में नहीं था, बट क्योंकि भाई चाचू साथ गए थे तो चाचू ने बोला बच्चों को आइसक्रीम खिलानी चाहिए। तो इनाया क्या खा रही हो? ये मुस्कुरा बेटी क्या खा रहे हो? अक्की। चाचू को थैंक यू तो बोलो। टाइम भाई 7:05 हो रहे हैं, मेरे ख्याल से मगरिब होने वाली है और बारिश भी एक्सपेक्टेड है, नहाना वाना भी है भाई, तैयार होना है। तो बस अब नहाते हैं धोते हैं और दावत हलीम में पहुंचते हैं। अपो के घर जा रही है ये भाई, हलीम हमें इंतजार कर रहे हैं और हम हलीम को इंतजार कर रहे हैं क्योंकि बार बार फोन आ रहे हैं। हाँ भैया कहाँ पहुंचे, कहाँ आ गए, कहाँ तक पहुंचे, इधर आ गए उधर आ गए। तो ये सीन चल रहे हैं, ये एक घंटे से चल रहे हैं और तकरीबन 9:15 का टाइम है। इनू कहाँ जा रही हो बेटा? अप्पो के घर। तैयार होके जा रही हो इतना? और कौन होगा वहाँ पर? मुइन भी होगा। फिर क्या करोगी मुइन के साथ? खेलेगी ही खेलेगी। और मुसो आप कहाँ जा रहे हो? मुसो आप कहाँ जा रहे हो? मुसो जहाँ जा रहा है उसको पता है मैंने सिर्फ शरारत ही करनी है वहाँ जाकर, और कोई गर्ज नहीं है। तो वह सब रेडी हो चुके हैं, अब फौरन हम बस गाड़ी में बैठते हैं और बस अब आपसे मुलाकात होगी भाई हलीम की प्लेट के ऊपर। तो भाई ये रहा हलीम, ओए ओए दावत हलीम। ये बनाया किसने बनाया भाई? पूरी टीम ने बनाया, पूरी टीम ने मिलके बनाया। बैल दिखने में अच्छा लग रहा है और अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, मतलब इसको खाते हैं फटाफट। खाने में भी अच्छा होगा, जिसने खाया उसने बताया भाई कि हलीम बहुत वीआईपी है। हलीम हम लोगों ने खा लिया, बड़ा बेहतरीन था, वीआईपी था। घर वाले आ रहे हैं, बैठ रहे हैं गाड़ी में बैठ रहे हैं,
और बच्चे फुल शरारतों के उरूज पर है, तो मैं ज्यादा कुछ वीडियो बना नहीं पाया, मगर आज की दास्तान हम यही खत्म करेंगे। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई दास्तान एक नई कहानी के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक चैनल सब्सक्राइब करें। बाय बाय।